गणेश उत्सव अब अपने समापन की ओर बढ़ चला है। ऐसे में अब बप्पा का विसर्जन किया जाना है, लेकिन विसर्जन के पूर्व प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच विदिशा कलेक्टर रोशन सिंह ने सिरौंज बांध पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए यह रिपोर्ट। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव अब अपने समापन की ओर है, जिसके बाद भक्त अपने भगवान को विदाई देंगे। वहीं भगवान गणेश की झांकियों को विसर्जित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच गणेश विसर्जन की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए विदिशा के कलेक्टर रोशन सिंह सिरौंज डैम पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश विसर्जन के समय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज जैसा आपको विदित है, अतिवृष्टि की वजह से हमारी जो नदियाँ और बांध हैं उनका जलस्तर बढ़े हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, घटना ना हो, उसकी तैयारियों को देखने के लिए पूरे तहसीलों में भ्रमण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी होना है, इसलिए आज हम लोग इस जगह पर आए हैं और प्रशासन की सभी व्यवस्थाएँ रहें, बैरिकेड्स, लाइट्स एंड मूर्तियों को ले आने ले जाने की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे, जिससे कि किसी भी तरह की घटना का कोई स्कोप ना रहे। उस संबंध में सारे हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा मुआयना किया जा रहा है और जो सुधारात्मक निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों से गणेश प्रतिमाओं को लाने वाले लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों को लाइट्स, बैरिकेड्स और साफ सफाई से संबंधित तमाम निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।